सो एक बार ही फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में व्लॉग्स विद डैनी में। सो गाइज, आज मैं अपनी बाइक का जो है वो रिव्यू करने जा रहा हूँ। एक 3 इयर्स एक्सपीरियंस जो था मेरा मेरी बाइक के साथ, R15 V3 के साथ, और जो मैंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं। एक्चुअली मेरे पास मैंने ना थोड़ा कंटेंट इकट्ठा किया हुआ था कि मैं बाइक्स पे राइड मार रहा था, और लेकिन जो मेरा माइक था उसने धोखा दे दिया मेरे को। मतलब आवाज़ उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं आई, और कैमरा सेटअप मेरा पहले ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब एकदम से सही करके फिर ही मैं अपना जो ब्लॉग होगा वो शूट करूँगा। तो आज फाइनली मैं अपने जो बाइक का है वो ब्लॉग शूट करने लगा हूँ कि अब मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरा रिव्यू रहेगा बाइक से रिलेटेड, वो आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाइक की की से, क्योंकि आपको पता है बाइक जो स्टार्ट होती है वो की से होती है। तो छोटे से छोटा पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। तो आप बाइक की देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। ये फ्लिप की है, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई हुई है, और आपको जैसे पता ही है बाइक में नॉर्मल की आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये नॉर्मल की है बाइक की। तो इसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि ये मैंने जो की कस्टमाइज़ करवाई है कहाँ से करवाई है, वो भी मैं आपको आज उनसे मिलवा दूंगा। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जलंधर में बड़े फेमस हैं GTB के पास। तो बाकी उनका टॉपिक हम अलग से क्लियर करेंगे। तो चलिए इसके बाद सीधा आते हैं बाइक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो हम आते हैं बाइक की फ्रंट लुक पे। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें मैंने जो इसकी फेयरिंग जो है वो सारी चेंज करवाई हुई है। इसमें R6 का मास्क लगा हुआ है। R6 के अब काफ़ी सारे मास्क आते हैं, पहले 1.0, अब 2.0, अब 3.0, ऐसे ऐसे करके आगे आ रहे हैं। तो ये जो 1.0 सबसे पहले ये आया था, और ये जलंधर की सबसे पहली R15 V3 थी, और ये मैंने मॉडिफाई की हुई थी। और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये विंगलेट्स लगी हुई हैं। तो विंगलेट्स इसको एक काफ़ी अच्छा व्यू देती हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो सुपर बाइक्स होती हैं, जैसे कि 10R हो गया, या फिर अपना H2 हो गया, या जैसे ये वाले सुपर बाइक्स होते हैं उनमें भी जो विंगलेट्स लगी होती हैं, तो इनसे क्या होता है, एक आपका जो एरोडाइनमिक्स होते हैं वो उनसे फ्लो बढ़ता है एयर का, तो एक अच्छी शार्प लुक देती हैं बाइक को। दोस्तों अब आते हैं इसके मिरर्स के ऊपर। तो मिरर्स इसके जो है वो ZX10R इंस्पायर्ड मिरर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं R1 इंस्पायर्ड, या आप कह सकते हैं H2 इंस्पायर्ड, कोई भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सुपर बाइक्स में मोस्टली ऐसे मिरर्स आते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे बाइक में, नोटिस कर रहे होंगे कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो ऊपर हुए हैं, और जो इंडिकेटर्स नीचे होते हैं वो मैंने इसके रिमूव करवा दिए हैं। अब इस पर फ्लश माउंट इंडिकेटर्स लगेंगे जो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, आपको पता ही होगा शायद, वो मैंने पहले भी इंस्टॉल किए हुए थे बट वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने उनको रिमूव करवा दिया था। दोस्तों मिरर्स के बाद हम आ जाते हैं बाइक के जो अपर लुक के ऊपर। जो मेन एक एरोडाइनमिक्स होते हैं बाइक के, जिसको हम डबल बबल वाइज़र भी कहते हैं, ये भी मैंने इसमें इंस्टॉल करवाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, लाइक हम जब भी कोई हाईवे पे राइड पे जाते हैं और हम हाई स्पीड्स के ऊपर होते हैं, तो जो विंड का फ्लो होता है वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है, वरना अगर नॉर्मल वाइज़र होता है तो उस पर जो विंड है वो एकदम आमने सामने आती है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जिससे कि बाइक की स्पीड को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बाइक की स्पीड स्लो होती है। तो गाइज इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बाइक में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो एक्रापोविच कार्बन लगा हुआ है। तो ये एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है, बिकॉज एक सिंगल सिलेंडर बाइक में आप ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मैंने नॉर्मल इसमें जो एक्रापोविच सिंगल सिलेंडर वाला इसकी कॉपी लगवाई हुई है। लेकिन ये इतनी स्मूथ साउंड ये प्रोड्यूस करता है, आप सोच नहीं सकते। बाकी आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको साउंड का जो जजमेंट है वो हो ही गई होगी। दोस्तों एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं थोड़ी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, बिकॉज़ जो इसका एग्जॉस्ट था, एक्चुअली ये एक घटना हुई थी मेरे साथ, बिकॉज़ मैंने व्हीली मारी थी बाइक के ऊपर, और व्हीली फेल हो गई थी, व्हीली कंपाइलेशन हो गया था उसका, आप सोच सकते हैं। मैंने अगला व्हील जो था वो पॉपअप किया था, और जो एग्जॉस्ट है तो वो नीचे लग गया था, मतलब लाइक बाइक सीधी खड़ी हो गई थी और मेरे नीचे से बाइक निकल गई थी और मैं रोड पर खड़ा हो गया था। वो भी कहानी किसी दिन आपको बताएंगे। आते हैं अपनी बाइक के ऊपर। तो इसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बेंड हो चुका है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने क्या हुआ था मेरे साथ। दोस्तों हम एग्जॉस्ट के बाद आ जाते हैं टेल टाइडी पे। टेल टाइडी एक बाइक का मेन पार्ट होता है, लाइक मेन पार्ट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इस पर हमारी जो नंबर प्लेट वगैरह होती है और सारा जो भी सिस्टम होता है। लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोज क्या कह सकते हैं, इसमें एक ही प्रोज है इनके कि लाइक इसमें इसका जो व्यू होता है, मतलब आप देख सकते हैं बाइक बहुत सेक्सी लगती है बैक से, क्योंकि टायर भी इसका जो ब्रॉड लगता है और जो इसकी लाइट्स है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। पहले जो होती थी वो काफ़ी एक बड़ा मडगार्ड टाइप लगा होता है, मडगार्ड रिमूव हो जाता है, और इसके कॉन्स भी उसी में आ जाते हैं कि मडगार्ड रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा कीचड़, जो पिलियन को एक दिक्कत होती ही होती है। लेकिन अगर मैं भी खुद राइड करता हूँ रेन में, तो क्या होता है, ये जो सारा जो मड होता है वो टायर उछाल उछाल के सारा बैक पे आ जाता है, तो पीछे वाला जो बंदा बैठता है
वो तो पूरा गंदा होता ही है, लेकिन अगर मैं सोलो राइड भी कर रहा हूँ, अकेला भी जा रहा हूँ, तो भी पीछे सारा गंदा हो जाता है। तो ये सबसे इसका जो ड्रॉबैक लगता है मेरे को टेल्ड आईडी का, बट लुक बहुत अच्छी लगती है। सो टेल्ड आईडी से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो टायर है वो मिशेलिन का लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा दिखने में ना ओवरसाइज लगता है, बट ये एक्चुअली में ओवरसाइज है नहीं है, क्योंकि मिशेलिन के टायर थोड़े से ना नॉर्मल टायर से मोटे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये और ज़्यादा लगता है, और ऊपर से टेल्ड आईडी भी लगी हुई है। तो बाइक का जो टायर है वो ओवरसाइज लगता है, बट ये एक्चुअली में है नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो दोस्तों ये था वीडियो में आज जो मैंने मॉडिफिकेशन आपको बाइक के दिखानी थी। तो अब मॉडिफिकेशन से एक हट के जो टॉपिक था मेरा वो था कि मेरे बाइक के जो मैंने रिव्यू करना था। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, मैं एक्चुअली इस बाइक को ओन करते हुए मेरे को 3 साल हो गया। मैंने 2019 में लिया था, ये BS4 वर्जन है बाइक का, और ये फर्स्ट वेरिएंट था, जलंधर में पहली बाइक थी ये उस टाइम पे। तो गाइज मैं इस बाइक से आपको सच में बताऊँ तो लाइक आई एम रियली रियली हैप्पी, बिकॉज बाइक से मेरे को आज तक कोई भी इससे दिक्कत नहीं आई हुई। बाइक को 3 साल हो गए हैं मेरे को, और अभी तक मैंने 25,000 सो फार किलोमीटर कर दिए हैं इस बाइक के ऊपर, और मैंने राइड्स मारी हुई हैं हिल्स में, ना मेरे को कभी हिल्स में कोई प्रॉब्लम आई है बाइक को चलाते हुए, ना कोई चेन की प्रॉब्लम, ना कोई इंजन की प्रॉब्लम, ना कोई आज तक टायर में प्रॉब्लम आई है। लाइक ओवरऑल अगर बाइक को मैं रेट करूँगा तो मैं 9.5 करूँगा। सो दोस्तों इसमें 0.5 मैं इसलिए कम दे रहा हूँ बिकॉज अगर आप एक न्यूबी राइडर हैं, अगर आप नए राइडर हैं, तो अगर आप एक क्रूज़र से या फिर एक नॉर्मल बाइक से आप इस पे आते हैं, तो आपके जो थोड़ा थोड़ा शोल्डर पेन होता है बाइक, मतलब बाइक चलाते हुए और आपके ये जो रिस्ट है और ये सारे पेन करने लग जाते हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक लगता है मेरे को। लेकिन आपको जब आदत पड़ जाती है तो आप हैबिचुअल हो जाते हो इस चीज़ के, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बाइक चलाते हुए। बट ओवरऑल अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक एक नंबर बाइक है। आप लाइक इस सेगमेंट में 155 सेगमेंट में आप कोई भी अच्छी बाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे अच्छी बाइक आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं KTM से, नो डाउट 200cc है, लेकिन वो ओवर प्राइस्ड है। लेकिन फीचर्स अगर देखे जाएँ तो आपको पता ही है, वर्जन जो 4 है R15 का वो आ चुका है ऑलरेडी, और आपको उसमें पता है क्विक शिफ्टर है उसमें, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने एग्जैक्टली उसका पढ़ा नहीं है, बट मैं उसका भी रिव्यू जल्दी करूँगा अगर कभी मौका मिला तो शोरूम जाके। सो गाइज ये था आज के वीडियो में, मैंने अपनी बाइक का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और बाइक का रिव्यू किया। सो गाइज ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बाइक की मॉडिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने बाइक की चाबी बनवाई थी वो जलंधर में ही है, अगर आप जलंधर के आसपास रहते हैं तो उनका जो एड्रेस है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उनका फ़ोन नंबर भी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी भी बाइक कार और कोई भी किसी भी तरह की जो चाबी है या की है वो आपको मॉडिफाई करवानी है या बनवानी है या आपकी गुम चुकी है, कुछ भी करवाना है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।